हेलो बच्चों, मैं अंकित शर्मा आपका एडो विद होप के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज के वीडियो में जनरली हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स करेंगे और ये आपका पॉलीनोमियल चैप्टर्स का है, ठीक है। तो चलिए एमसीक्यू क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं, बहुत बेसिक से है, ठीक है। और क्वेश्चन एग्जाम्पल्स इस कारण से मैं करवा रहा हूँ कि बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें आपको दिखते हैं और हर तरह के मॉडरेट मीडियम तो एक ही हो गया, इजी और हार्ड तीनों मतलब आपके मिले हुए जुले क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कराने का सिर्फ यही मोटिव है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की क्षमता रखें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। और पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो एमसीक्यू है। क्वेश्चन क्या है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन बराबर इज माइनस थ्री, देन द वैल्यू ऑफ के इज, ठीक है। इसमें जनरली अगर हम बात करें तो एक आपको पी एक्स पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पी एक्स पॉलिनोमियल है कितना, तो के माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन, ठीक है। और इसकी वैल्यूज दी हुई है, वैल्यूज कितनी दी हुई है, एक रूट, मतलब एक रूट दिया हुआ है आपका। इफ वन ऑफ द जीरोस, देखिए इफ वन ऑफ द जीरोस तो वो जीरोस है कितना, माइनस थ्री। जीरोस कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि कोई पी एक्स पॉलिनोमियल है और उसमें जीरोस को रख देते हैं तो वो हमेशा जीरोस को जब भी पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू जीरो के बराबर होगी, ठीक है। पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, उसका कोई एक जीरोस है, उस जीरोस के अगर हम इसमें पी एक्स पॉलिनोमियल में रख देंगे तो उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। मतलब कि अगर जीरोस पी बराबर पी एक्स की जगह अगर हम माइनस थ्री रख देंगे तो ये पूरा इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा इक्वेशन, ये पूरा जो आपका दिया हुआ है, ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आसानी से वैल्यू ऑफ के निकाल लेते हैं। तो के की वैल्यू में निकालिए तो हम सिंपली क्या करेंगे कि के माइनस वन इस पी एक्स पॉलिनोमियल को p माइनस थ्री बराबर जीरो रखेंगे, ठीक है। तो पी एक्स पॉलिनोमियल क्या, k माइनस वन, एक्स की जगह क्या रखेंगे, माइनस थ्री, तो माइनस थ्री का स्क्वायर, ठीक है, प्लस kx इंटू k की वैल्यू अभी पता नहीं है, x की वैल्यू माइनस थ्री प्लस वन, ये पूरा वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ये पूरा वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर, ठीक है। तो यहां जब जीरो के बराबर हो जाएगा तो सिर्फ यहाँ के आपको इस पूरी इक्वेशन में के अब सिर्फ वेरिएबल दिख रहा है, तो आसानी से आप के की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले निकाल के देख लीजिए, चलिए निकाल देते हैं। तो ये के माइनस वन हुआ और ये नाइन हुआ, माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन होता है, प्लस ये अगर मैं सॉल्व करूं तो ये माइनस थ्री के हो जाएगा, ठीक है, प्लस वन बराबर जीरो। इतना समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहां जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां जो चीजें हमें मिलेगी वो मिलेगी नाइन के माइनस नाइन माइनस थ्री के प्लस वन बराबर जीरो। इसी चीज को आगे मैं सॉल्व कर देता हूं, नाइन के में से थ्री के गया तो सिक्स के बचा और माइनस नाइन में से वन गया तो प्लस सॉरी माइनस एट बचा बराबर जीरो। यहां से जब सिक्स के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एट, और के बराबर क्या लिख सकते हैं, एट बाय सिक्स, यही लिख सकते हैं, के बराबर क्या लिख सकते हैं, एट बाय सिक्स, ठीक है। अब जब इसको हम कट करेंगे तो ये फोर टाइम्स में और ये थ्री टाइम्स में, तो के की जो हमें वैल्यू मिली वो फोर बाय थ्री मिली, ठीक है। के की वैल्यू हमारे पास क्या है, फोर बाय थ्री। तो काफी इजी सा सवाल था। तो यहां आप देखिए कौन से ऑप्शन में फोर बाय थ्री है, तो ए ऑप्शन में आपका फोर बाय थ्री है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत इजी सा सवाल था। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए आपका।